नीलांजलम समाभासम रविपुत्रो यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि सनिश्चरम। नमस्कार दर्शकों, वेब दुनिया के धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। शनि देव को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। साढ़े साथी अढ़ैया वक्र दृष्टि हो तो जातक को शनि भगवान का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में कौन से वे उपाय हैं जिनको करने से शनि भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है, आइए जानते हैं शनि साधक दादू महाराज से। राशि अनुसार तो उपाय एक्चुअली ये हमेशा नहीं चल पाते क्योंकि हर दिन परिवर्तित होता रहता है। इसके लिए तो हमको एक लंबी प्रक्रिया अपनाना पड़ती है। यदि जैसे ढाई ढाई साल की जो चल रही है तो इन ढाई ढाई साल के अंदर हमको एक भी उपाय लेकर उसको सतत रूप से चलाते रहना पड़ेगा। शनि, चूंकि शनि का नाम है शनिश्चर अर्थात शनि शनि चलने वाले शनिदेव, तो इनका जो कार्य होता है ये धीरे धीरे होता है। सभी इसमें रूप में भी या किसी भी प्रकार कार्य होते हैं वो धीरे धीरे हमको प्रगति करवाते हैं, लेकिन जब उतरते हैं तो भी धीरे धीरे उतरते हैं, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आप ऊपर भी पहुंच जाएंगे तो यदि नीचे आना भी चालू होगा तो धीरे धीरे आएंगे, तो जब तक आप संभलने का आपको मौका मिल जाता है। जैसे राहु है ये यकायक आपको एकदम लखपति करोड़पति बना देता है, शनि इस प्रकार का नहीं करते। शनि धीरे धीरे आपको उस स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर तक पहुंचाते हैं, आपकी मंजिल तक। और जब नीचे भी आना होता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको बार बार आपको अंदेशा और संकेत देते हुए आते हैं कि आपके कार्यों में कुछ गलती हो रही है, आप इसके अनुसार कार्य चेंज करें, परिवर्तन करें, अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, अपने स्वभाव में परिवर्तन करें, अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसमें परिवर्तन करके आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। ये थे शनि साधक दादू जी महाराज, जिन्होंने हमें उपाय बताए कि शनि की कृपा हम पर कैसे हो सकती है। धन्यवाद।